कॉम्बिनेशन का सब्जेक्ट है, माय ग्रेजुएशन सब्जेक्ट आर इलेक्टिव इंग्लिश सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस। तो आपका कॉम्बिनेशन बेस्ट, इन्होंने पूछा क्या बनता है। कॉम्बिनेशन आपका बेस्ट बनता है जैसे ये फैक्टर मैंने दिए थे, पहले ये बता दूं, यहाँ पर ये फैक्टर से इन फैक्टर के बेस पर यही लिख लेता हूँ, यहाँ पर इजी हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है मैथ कंप्यूटर, ये नहीं पढ़ा हुआ, आपने पढ़ा हुआ है सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, है ना, और तीसरा इलेक्टिव इंग्लिश, ये बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट है कि आपने 3 साल इलेक्टिव पढ़े हुए हैं उनमें से चूज़ कीजिए, और आप TGT के लिए एलिजिबल हो रहे हैं उनमें से चूज़ करिए। आपको एडिशनल सब्जेक्ट का कोई भी ना देना पड़े उनमें से चूज़ कीजिए, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाओ उसके मुताबिक चूज़ कीजिए, और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं की, जल्दी उसके लिए एलिजिबल हो जाओ। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे PGT के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो इन सारे क्राइटेरिया के मुताबिक आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बन रहा है, क्योंकि 2 सोशल साइंस आपने 13 में से 2 सोशल साइंस पढ़ी हुई हैं, तो आपको पेडागॉजी या टीचिंग ऑफ SST लेना चाहिए। नंबर एक, इसके लिए आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो, मार्क्स कितने आते हैं जब पिछले ग्रेजुएशन में कितने हैं उसके अलावा, और दूसरा आप पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लीजिए, क्योंकि आपको कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन SST इंग्लिश बनता है। हाँ, अगर आपकी जो प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा सोशियोलॉजी में है या पॉलिटिकल साइंस में है, या आप PGT के टीचर बनना चाहते हो, जो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप एक्सट्रीम इंटरेस्टेड हो तो रोकूंगा भी नहीं, तो आप पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश तो है ही, आप ले सकते हो, लेकिन वो मत लीजिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बनना है ये इसके लिए। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपका प्रेफर्ड क्लियर एवरी सभी कॉलेजेस में अवेलेबल है SST इंग्लिश। थैंक यू, कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तेरा सिंह।